12 जून को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया था और बंद का व्यापक असर दिखा। बाजारें बंद रहीं। सभी प्रमुख बाजारें मोती झील, सरैयागंज टावर, पावर हाउस चौक, माड़ीपुर, ब्रह्मपुरा सहित सभी बाजार बंद रहे। जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया, दुकानदारों ने भी काफ़ी सहयोग किया। बंदी का व्यापक असर रहा। दुकानदारों ने अपना शटर बंद करके स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी अमित कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ पूरे मुजफ्फरपुर का भ्रमण करके दुकानदारों से निवेदन करके मुजफ्फरपुर बंद कराने का काम किया। लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया। स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्मार्ट मीटर का मीटर काफ़ी तेज चल रहा है। जहां सामान्य मीटर में 400-500 रुपये का बिल आता था, इसमें दुगुना तिगुना बिल आ रहा है। गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी पहले रिचार्ज करवाता है, फिर खाना खा रहा है। स्थिति बड़ी भयावह है। और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर के सरकारी विभाग में स्मार्ट मीटर नहीं लगना कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि इस मामले में व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। स्मार्ट मीटर कंपनी ने मुजफ्फरपुर के जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनको छूट दे रखी है और गरीब जनता के घर में स्मार्ट मीटर लगा के उनका शोषण कर रही है, दोहन कर रही है, जिसको लेकर आम जन में काफ़ी प्रतिरोध की भावना है, कभी काफ़ी प्रतिशोध है। और आज वो मुजफ्फरपुर सड़क पर उतरकर मुजफ्फरपुर बंद कराने का काम किया। नौशाद जी ने कहा कि ये एक शुरुआत है, अगर सरकार नहीं चीती और स्मार्ट मीटर को वापस नहीं लिया तो हम चक्का जाम भी करेंगे और सरकार की निंद्रा को तोड़ने का काम करेंगे। बैनर इस्तेमाल करो। अब बैनर इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई समस्या होता तो आप मुझे बताओ। अगर जिस तो बेटा कह सकता है ना कि अब्बा ये गलत है, बाबूजी ये गलत है, आपसे स्विच खुला रह गया, इसको बंद कर दीजिए। उसी तरह स्मार्ट मीटर जो कंपनी है हमारे सरकार को धोखा में रख के और उनको गुमराह करने का काम किया है। अब ये आवाज हम अपने सरकार तक पहुंचाएंगे और उनको बताएंगे कि जिस तरह का मुजफ्फरपुर के बिहार के मुजफ्फरपुर के जनता के साथ स्मार्ट मीटर के कंपनी वाले जिस तरह का शोषण कर रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। विभाग में जब जाते हैं तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि इतना पैसा लगेगा। बिजली विभाग के बड़े अधिकारी का कहानी मैं बता रहा हूँ। डराया जाता है, धमकाया जाता है। और मैं बता दूं, आप सभी भाई तो यहाँ पे लोकल नहीं है, कुछ लोग दूर के होंगे, कर्जा, मरबन, पुखरेरा, तारू, कांटी, मोतीपुर, खुरानी, सब जगह से लोग आए हुए हैं। जो दूर से आते हैं उनसे पहले कंज्यूमर नंबर लिया जाता है। मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोग हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई परेशान है